हम लोग नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते थे और अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा देखते थे। हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे पैसा देने के लिए रेडी हैं, बट हम लोग अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। दैट इज समथिंग दैट ब्रेक्स माई हार्ट। हे गाइज, वेलकम बैक टू फिन लाडर। आज के वीडियो में हम लोग हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हैक्स फॉर अ फाइनेंस स्टूडेंट जो फाइनेंस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है। एंड काश ये सारी चीजें मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने कॉलेज के साथ स्टार्ट कर रहा था। एक्चुअली मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीजें रहती। इनफैक्ट मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, कभी भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की व्हाट यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। कोई चीज मैं मिस कर गया वो भी बताना, एंड कोई चीज अगर आपको लग रहा था इंपॉर्टेंट थी वो भी बताना, एंड कोई चीज अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी बताना। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। लेट्स स्टार्ट विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नेटवर्किंग। गाइज, आप लोगों ने शायद ये सुना होगा कि नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, विच इज ट्रू, बिकॉज हर पॉइंट पे नेटवर्क इज वॉट एक्चुअली हेल्प्स यू। नेटवर्क मतलब क्या? नेटवर्क किसी भी एंड टाइप का हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर लाइफ आर योर एक्चुअल नेटवर्क। नेटवर्क रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेटवर्क फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेटवर्क एक्वेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट इफ दे कैन हेल्प यू रीच अ सर्टन लेवल, that helps you a lot. I'll tell you a live example of FinLadder. When FinLadder started, for our first 30 customers, 26 came via LinkedIn because our LinkedIn accounts were strong. In our first year alone, we had 7,000 people who we had already connected with on LinkedIn. तो उनमें से ही पहले 25 students आए थे। अगर हम लोगों को उन 25 स्टूडेंट्स के लिए भी कोई एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ती या यूट्यूब पे जाना पड़ता, आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा चलता, बट वहां से बिकॉज दोज वर द पीपल इन आवर नेटवर्क, हम लोगों ने उनके सामने कोर्स लाया, इट हेल्प्ड अस अ लॉट। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु एंड अप गेटिंग गुड जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क। सी, एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस इंडस्ट्री में गेटिंग जॉब्स आर टफ, बट हैविंग अ नेटवर्क ऑलवेज हेल्प्स यू। राइट नाउ आई हैव पीपल इन माई नेटवर्क। अगर मेरे को HDFC में नौकरी चाहिए होगी, आई कैन गेट दैट। अगर मेरे को ब्लैक रॉक में नौकरी चाहिए होगी, आई कैन गेट दैट। BNY मेलन में चाहिए होगी, आई कैन गेट दैट। JP Morgan में चाहिए होगी, आई कैन गेट दैट, बिकॉज आई नो पीपल फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेज। ओके, सो दैट्स एक्चुअली योर नेटवर्थ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। विजय लक्ष्मी बैंक, द CRO, आई हैव टॉक्ड टू दैट पर्सन ऑन अ डेली बेसिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो मतलब दीज आर द पीपल यू कैन एक्चुअली टॉक टू। These are the people you can actually ask for favors. And trust me, if I ask that person ki, yaar, can you give me a recommendation for this job? I don't think that person will say, nahi yaar, main nahi dunga. Because at the end of the day, it helps them also. They also get a percentage cut. I don't know if you know this or not, but agar aapka koi friend ya koi relative hai, kisi company mein kaam kar raha hai, and that person brings a quality employee to that company, unko bhi uska ek chota sa part milta hai, unki salary ka ek chota sa part milta hai, unko bonus milta hai, koi na koi tarike ka compensation hota hai. So networking is your net worth. Ye kaafi kam logon ko pata tha. How do you do that? Make a very strong LinkedIn account. Start reaching out to people. आई नो बहुत मुश्किल होगा, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारे लोग आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। दैट्स फाइन, कोई ना कोई तो करेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। आई एम्फसाइज दिस इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो, बट इट इज वर्थ एम्फसाइजिंग कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। लिंक्डइन इज इम्पॉर्टेंट, लिंक्डइन इज इम्पॉर्टेंट, लिंक्डइन इज इम्पॉर्टेंट। अगर अभी तक भी आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो प्लीज मेक अ लिंक्डइन अकाउंट, एंड प्लीज मेक अ स्ट्रांग लिंक्डइन अकाउंट। जस्ट बनाने के सेक के लिए नहीं बनाओ, लोगों से बात करो उस पर, समझो लोगों को क्या चाहिए, समझो मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकता हूं। दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। सो नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेंथन योर सॉफ्ट स्किल्स। कैसे बात करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे नेगोशिएट करते हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दिस इज समथिंग आई डिड नॉट नो। आई थॉट कि मैं CFA कर लेता हूं, FRM कर लेता हूं, ये सारी डिग्रीज कर लेता हूं, एंड मैं एक बहुत अमेजिंग पोजिशन पे होगा। ट्रू, मतलब दैट हेल्प्स यू, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है तो उतनी अच्छी पोजीशन पे आप नहीं हो। अगर आपको इंटरव्यू रूम में बात करनी नहीं आ रही, उतनी अच्छी पोजीशन पे आप नहीं हो। तो मेक श्योर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहो। बी दैट थ्रू अ सेल्स इंटर्नशिप, बी दैट थ्रू डूइंग नेगोशिएशन विद पीपल, बी एंटरिंग इन टू डिबेट्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब फिगर आउट अ वे बाय विच आप अपनी कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, आई जस्ट कंटिन्यू विद दैट एग्जाम्पल, काफी छोटा रखने की कोशिश करूंगा। एक बंदा था जिसने FRM के 2 लेवल कर लिए थे, दूसरा बंदा था जिसने FRM का 1 ही लेवल कर लिया था। 2 लेवल करने वाले को जॉब नहीं मिली, 1 लेवल करने वाले को जॉब मिली, जस्ट बिकॉज उसको बोलना आता था। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इवन इफ अगर आपने वो मेजर कोर्सेज नहीं किए होंगे, बट आप स्टिल अपने रिक्रूटर को कन्विंस कर पाओ ना कि येस यू आर वर्थ सिलेक्टिंग, ट्रस्ट मी यू विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर अ पर्सन जिसने ये बड़े बड़े कोर्सेज भी किए होंगे।
इट इज ट्रू. सी टेक्निकल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट सेइंग दैट टेक्निकल स्किल्स कुछ भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. हाउ यू कम्युनिकेट इन द इंटरव्यू रूम, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स, हाउ यू कम्युनिकेट इन जनरल इन लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो या नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू बिल्ड ऑन देम, सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करते रहो. जितना ज्यादा उन पे काम करोगे, जितना ज्यादा उनको इंप्रूव करोगे, एट द एंड ऑफ द डे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नॉट ओनली इन जॉब बट रियल लाइफ में मिलेगा. आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग को बेटर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो. तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सेकेंड पॉइंट डेफिनेटली वही रहेगा. सिलेक्टिंग अ फाइनेंस ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन और अ डिग्री. तो सबसे पहले हम लोग बैचलर्स के बारे में बात करते हैं. अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी कर रहे हो तो ये पॉइंट शायद थोड़ा सा रिडंडेंट रहेगा, बट अगर अभी आप बैचलर्स नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे यू विल फाइंड अ वीडियो जिसमें मैंने बेस्ट बैचलर्स बताए फाइनेंस के रिलेटेड. यू कैन वॉच दैट. स्किपिंग दैट पॉइंट अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हो, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड काफी सारे लोग बैचलर्स कर रहे होंगे या मास्टर्स कर रहे होंगे. वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, जो आपकी नेक्स्ट डिग्री होने वाली है, शायद एमएससी होगी, शायद फिर एमबीए होगा या कुछ और होगा, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या करोगे, दैट शुड बी फाइनेंस ओरिएंटेड. तो वेदर एन एमएससी फाइनेंस और एमबीए फाइनेंस, दैट इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट. तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा. थर्ड पॉइंट, इफ यू कैन डू अदर कोर्सेज, अदर सर्टिफिकेशंस अलोंगसाइड विद दैट, अमेजिंग, डू देम, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. सीएफए, एफआरएम, सीपीए, कोई भी सर्टिफिकेशन हो सकती है. आई डू अंडरस्टैंड सीपीए थोड़ा सा अकाउंटेंसी साइड से चला गया, बट व्हाई नॉट, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव तो लगती है, बट बाकी इंडस्ट्रीज भी इक्वली ल्यूक्रेटिव है. जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे यूएस का सीपी है, तो यू कैन लुक इनटू दैट. बाकी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है. तो व्हाट आई विल डू इज मैं एक प्लेलिस्ट बना के यहां पे डाल देता हूं, ठीक है. यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड आपको वहां से पता चलते जाएगा कि और कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस है. मैंने सब पे वीडियो बना रखा है. सीएफपी इज अ सर्टिफिकेशन आई एब्सोल्युटली हेट, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं, मुझसे पूछना भी नहीं. आई हेट दैट सर्टिफिकेशन. मे बी यू लव दैट सर्टिफिकेशन, गुड फॉर यू, आई डोंट लाइक दैट. बाकी सीपी हो गया, एफआरएम हो गया, सीएफए हो गया, और भी सीएमए हो गया, और भी सर्टिफिकेशन है जिन पे वीडियो बना रखी, यू कैन वॉच दोस. अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक नो वन टेल्स अस अबाउट इज वेयर शुड वी स्पेंड आवर मनी. सी व्हेन वी आर इन आवर कॉलेज, हम लोग फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे बहुत ज्यादा जाते हैं. मैं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जाता था, एटलीस्ट 3 or 4 times a week. बट What did we do on those outings? हम लोग खाने कहीं जाते थे एंड हमारी बिल हमेशा 1,000 rupees से ज़्यादा आती थी, हमेशा 1,000 rupees से ज़्यादा आती थी. तो वी यूज टू पे दैट बिल. डच होता था बट वी यूज टू पे दैट बिल. सो दैट वॉज वन. सेकेंड थिंग वॉज वी यूज टू मेक ट्रिप्स प्लान्स, वो भी करते थे. थर्ड थिंग वॉज हम लोग नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते थे और अमेजोन बहुत ज़्यादा देखते थे. हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे पैसा देने के लिए रेडी हैं, बट हम लोग अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है. That is something that breaks my heart. Because Netflix की 600-700 rupees की subscription दे देते हैं, Amazon की subscription दे देते हैं, but अपनी skills को better करने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हम लोग. That's the worst thing that you can do. A reality check for many of us. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार CFA की certification महंगी है, FRM की certification महंगी है. बहुत ज़्यादा महंगी certifications हैं, but at the same time आप जिस फ़ोन पर देख रहे हो उस फ़ोन की price क्या है. See, you'll have to be a bit honest with you, and I'm so sorry if this is coming as a personal thing to someone. I'm so sorry, but this is something you should know. हम लोग फोन पे 60-70 thousand rupees खर्च करने के लिए तैयार है, आईफोन खरीदने के लिए तैयार है, बट हम लोग अपनी डिग्री पे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है. I'll show you. This is the phone that I used पूरे bachelor's में, पूरे मतलब अपने bachelor's के time पे. This is the phone I used. आज से तकरीबन 2 साल पहले ये फोन टूट गया, and तब से I'm still using this phone. I did spend somewhere around 4.6 lakh rupees on my education alone, but ये phone change करने का time नहीं मिला मेरे को, because ठीक है ना, चल रहा है ना. तो मतलब I'm not saying I am a role model or anything like that, absolutely not. मैं भी बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करता हूँ, but the most important thing is I know what to prioritize. I did end up prioritizing FRM की fees पहले than buying a phone. तो This is a completely honest thing that I'm telling you, very honestly, very from the depth of my heart. Please do not think that education पे पैसे spend करना is the worst thing that you can do. No, जो returns यहाँ से मिलने वाले ना, वो any day trump करेंगे आपकी किसी और returns. I do understand ये बहुत महंगी certifications. I'm not saying that this is available for everyone. नहीं, not saying that. But काफी सारे लोग मुझे ऐसे text करते हैं, मैं उनकी
इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता हूँ, दे हैव एन आईफोन इन देयर डीपी. आई डू नॉट यूजुअली चेक देयर होल प्रोफाइल, बट आईफोन उनकी डीपी में होता है, आईफोन के साथ सेल्फी होती है, बट दे आर लुकिंग फॉर सीएफए स्कॉलरशिप्स बिकॉज सीएफए की पैसे उस पर खर्च नहीं करना चाहते वो. सो या दैट ब्रेक्स माई हार्ट, बट एट द सेम टाइम दैट टेल्स समथिंग, मतलब इफ़ यू ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट, बट दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट यूर प्रायोरिटीज. दैट आईफोन इज़ अ प्रायोरिटी टू यू, बट स्पेंडिंग मनी ऑन योर एजुकेशन इज नॉट अ प्रायोरिटी टू यू, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. एंड दिस टिप आई होप सम हाउ रीचेज टू एवरी वन, कि गाइज यू कैन स्पेंड मनी ऑन थिंग्स दैट यू लव, एब्सोल्यूटली डू दैट, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लोग मुझे बोलते हैं कि 2000 रुपए की सर्टिफिकेशन एनएसी की महंगी है, बट सेम बंदा मूवी देखने जाता है पीवीआर गोल्ड क्लास में, सो दैट ब्रेक्स माय हार्ट. सो दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट. अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक नो वन टेल्स अस अबाउट इज कॉलेज में बी यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी वाया इंटर्नशिप्स. देर आर गुड इंटर्नशिप्स आउट देयर विच एक्चुअली यील्ड यू रिटर्न्स. मे बी शायद फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं होगी, बट थोड़ा सा रिलेटेड हो सकती है, सेल्स ओरिएंटेड हो सकती है, ऑपरेशंस ओरिएंटेड हो सकती है, एंड वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. वैसे भी हम लोग कॉलेज में कर क्या रहे, क्यों नहीं एक इंटर्नशिप उठा लेते हैं एंड सीखते हैं कुछ, एंड उससे कमा भी लेते हैं पैसे, एंड उसके बाद वो जो महंगे फाइनेंस के कोर्सेज थे वो करने की कोशिश करते हैं. सी एफ ए की फीस इज 1,90,000 फॉर वन लेवल, एफ आर एम की इज 60,000 फॉर वन लेवल. आई नो फोर पीपल इन फिनलैडर अलोन जो एफ आर एम और सी एफ ए का एग्जाम देना चाहते हैं एंड खुद से स्पॉन्सर करना चाहते हैं फीस, अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना चाहते हैं. एंड व्हाट्स द वर्स्ट थिंग, द वर्स्ट थिंग इज हम लोगों के साथ एटलीस्ट 150 इंटर्न जुड़े होंगे आज तक, एंड 150 में से 75 इंटर्न्स, 50% इंटर्न्स पहले एक हफ्ते में ही छोड़ के चले गए. पहले आई यूज्ड टू थिंक मे बी बिकॉज फिनलैडर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ज्यादा स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, हमारी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड पीपल आर नॉट रेडी. मतलब दिमाग में तो आता है कि आई डू एन इंटर्नशिप, बहुत मजा आएगा, सीखूंगा मैं इंटर्नशिप से, बट वेन यू हैव टू डू द हार्ड वर्क यू थिंक कि नहीं यार रहने देता हूं. दिस इज अ रियलिटी. फॉर अ सेकेंड थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी इंटर्नशिप्स हैव यू अप्लाइड फॉर? मे बी देर आर सम पीपल जिन्होंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, बट डिड यू डू दोज इंटर्नशिप्स? नो, मेनी ऑफ अस डोंट. आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर अभी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूं कि इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप यू कैन फिल इन दिस फॉर्म, एंड आई एम टेलिंग यू legit more than 15 people end up making a salary, making a stipend of more than 10,000 in Finladder. So I know many people will fill that form. But do you know वो जो 15 लोग कितना काम करते हैं दिन को? Do you know how much efforts they are putting every day? Are you ready to put in those efforts? I'm pretty sure you aren't. मतलब I'm pretty sure only 10% are. इसमें मैं क्या sure हूँ? इसमें I know from facts कि only 10% of the people are ready to put in the hard work. तो this is another reality. Okay, if you want to do these certifications and you do not want this to be a burden on your family, you can start earning on your own. I'm not saying do intern with us. Nahi, theek hai. It's not important to intern with us. You can intern with anyone. Itni sari organizations hai. You can intern with any of those people. They will pay you good money. And let's just say you're making 10,000. Toh 7 mahine mein FRM ki first level ki fees nikal jayegi. 7 महीने तो वैसे भी एफआरएम के लिए पढ़ नहीं है, साथ साथ में एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर ली एंड वहां से एफआरएम की फीस निकल जाएगी. तो व्हाई नॉट डू दैट, व्हाई डोंट वी डू दैट? एंड यस, इट्स नॉट गोना बी इजी. ऐसा नहीं होने वाला कि मैं वो एकदम रेडी होंगे एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं होने वाला. बट थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की, मतलब 70,000 रुपए कमाने के लिए थोड़े से तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा ना. एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप इंटर्नशिप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे. आई नो अभी जैसे ये वीडियो आउट हो जाएगा 200 लोग तो उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बट उन 200 में से खाली 20 लोग ऐसे होंगे जो वो इंटर्नशिप जेन्युइनली करना चाहते होंगे. दैट इज अ रियलिटी चेक फॉर यू गाइज. यू गाइज डू, एंड 200 लोग इंटर्नशिप करना चाहते थे बट करते खाली 20 लोग इंटर्नशिप ढंग से. तो दैट इज अ रियलिटी चेक फॉर यू. When you go for internships, make sure you work there. Make sure you learn something from there. And make sure you give some time over there. Start mein shayad kaam exemplary nahi hoga. But aaram aaram se when you become a core member of the team of that company, the work that you'll be doing is amazing. Kisi bhi startup mein chale jao. If you stay there for 6 or 7 months, you'll be so close to the founder that that founder would trust you like hell. So why not do that? That's my another tip. Not completely finance related,
But yeah, a tip related in general to people that how they can sponsor their education and how they can actually make their lives better, get experience. So yeah. I know काफी ज्यादा लंबा वीडियो रहा है, तो let me quickly talk about the next few points. Next point would be read books. Finance books काफी ज्यादा important रहने वाली है. जितनी finance books पढ़ते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो read finance books. Description में I'll leave some of the books that I absolutely love. Completely free PDFs वहां पे मिल जाएंगे. Next point would be leisure time. सबका होता है, हर एक का अपना अपना leisure time होता है, but उस leisure time को भी हम लोग थोड़ा सा prioritize कर सकते हैं अपनी finance की industry के हिसाब से. How, what do I mean by that? See, I'll tell you honestly, if you ask me right now what are my favorite TV shows, I'll tell you Suits, which is not completely related to finance but related to corporate industry. Second would be Billions. I don't know if you guys have watched that or not, but bahut hi amazing TV series hai, you can watch that. Harshad Mehta Scam, I hope bahut sare logon ne dekha hoga. So just if that excites you, so there are some movies also that you can see. Mujhe abhi exactly naam yaad nahi aa rahe, but I'll leave them in the description, the best movies. Margin Call is something that is coming to me, bahut hi amazing movie thi. Uske alawa, yeah, obviously hamara Wolf of Wall Street, and एक और मूवी थी मेरे को अभी याद नहीं आ रही. आई लीव दैट इन द डिस्क्रिप्शन, बट दोज आर द मूवीज. अच्छा, यहाँ पे भी वो मूवी आ रही होगी, तो यू कैन वॉच दीज मूवीज. दे एक्चुअली हेल्प बिल्ड योर फाइनेंस एक्यूमेन ऑल्सो. नेक्स्ट वुड डेफिनेटली बी टू रीड फाइनेंशियल न्यूज पेपर्स. वो आपको काफी ज्यादा डिटेल्स देते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको अप टू डेट रखते हैं. तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू. उसके अलावा आई कैन रिकमेंड यू अदर थिंग्स विच वुड इंक्लूड डेफिनेटली ब्लूमबर्ग. ब्लूमबर्ग में आपको काफी अच्छी अच्छी अमेजिंग चीजें मिलेंगी, ऑनलाइन ही है. या मनी कंट्रोल, याहू फाइनेंस, ऑब्वियसली यू गाइज नो अबाउट दीज. तो ये भी बार बार चेक कर सकते हो, इससे आपका फाइनेंस एक्यूमेन बिल्ड होते रहेगा. आप फाइनेंस की इंडस्ट्री में क्या क्या नई चीजें चल रही है वो समझते जाओगे. लाइक इफ आई जस्ट आस्क यू अडानी ग्रुप में अभी क्या चल रहा है, इफ यू नो द आंसर गुड, यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. इफ यू डोंट नो द आंसर, तो मे बी यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस. दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट अंडरस्टैंड फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, कैसे चीजें चलती हैं, क्या क्या होता है. तो या आई वुड रिकमेंड दैट एज अ हैक टू यू गाइज. इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड ट्रेडिंग टिल नाउ, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट. 2,000-3,000-4,000 रुपए से भी कर सकते हो, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी, ट्रेडिंग योर ओन मनी. देखो ना कैसा जाएगा स्टॉक मार्केट. उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना अगर जल भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब अगर आप आज फ्रेंड्स के साथ जाने वाले थे तो यू कैन बेल ऑन दैट. जितना पैसा वहां स्पेंड करने वाले थे उतना पैसा अपने डीमैट अकाउंट में डाल दो एंड वहां से ट्रेडिंग शुरू करो. उससे क्या होगा, यू विल गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या चीजें रहती है. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो एंड वहां से अपना अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डाल दिया ज़ेरोधा की, वहां से आप अपना फ्री अकाउंट ओपन करा सकते हो. अदरवाइज टेक्स मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा आपके फ्री डीमैट अकाउंट की. सो दैट इज विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग. स्टार्ट ट्रेडिंग एंड दिस अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन कि अगर आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो आपको फाइनेंस इंडस्ट्री से ज्यादा क्लोज चले जाओगे. फाइनेंशियल मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. आई थिंक मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो से कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूं, बट फाइनेंशियल मॉडल्स की इंपॉर्टेंस मुझे तभी समझ आती है जब हमारे स्टूडेंट्स भी फाइनेंशियल मॉडल्स खुद से बनाते हैं, कंपनीज के सामने बैठते हैं, एंड रिक्रूटर्स एक्चुअली शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब इसने इतना सारा काम खुद से कर रखा है. सी, टेल मी इफ आई एम अ रिक्रूटर एंड मेरे सामने एक बंदा आता है जिसने सऊदी एंड रिलायंस पे कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल एंड प्रोजेक्शन बना रखी है, एंड उसके बाद फिर आइडिया एंड वोडाफोन की कंप्लीट प्रोजेक्शंस बना रखी है, और 10 कंपनीज की कंप्लीट प्रोजेक्शंस बना रखी है, एंड उन 10 में से 7 प्रोजेक्शंस सही भी चल रही हैं, शुड आई नॉट हायर सच अ पर्सन? इवन इफ उसने CFA नहीं कर रखा है, इवन इफ उसने FRM नहीं कर रखा है, इवन इफ उसको ज्यादा टेक्निकल, वैसे उसके पास हद से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है बिकॉज उसने ऑलरेडी इतने सारे फाइनेंशियल मॉडल्स एंड प्रोजेक्शंस बना रखी है इन कंपनीज की, बट इवन इफ उसके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, डू आई स्टिल नॉट हायर दैट पर्सन? आई डोंट थिंक सो. ट्रस्ट मी, एक FRM या CFA को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना उस बंदे को इन्फॉर्मेशन होगी जिसने फाइनेंशियल मॉडल्स खुद से बनाए होंगे. सो आई नो आई बीन सेइंग दिस many a times, but this is important. Financial models बनाना खुद से and valuation models बनाना खुद से important. Equity research reports बना सकते हो खुद से, कुछ भी कर सकते हो, but do these things, they help you. जब recruiter के सामने बैठोगे and अपने models present करोगे ना, those are the things that will help you in the final time, मतलब final interview के time. Leave the course link in the description, you can join our course. उसके बाद we help you, मतलब you make the financial models on your own, so that's a good thing for you. But yeah, making these are important.
Last point would be find yourself a mentor. Someone who can guide you. Someone who knows things. One. Second, consult with other people. See, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद 100% सही नहीं हो. आप डिसअग्री भी करते होगे कुछ पॉइंट से. अंडरस्टूड, अग्रीड हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जिसको 100% इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस इंडस्ट्री की. मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितना मुझे पता है, एंड वो सारी चीज़ें एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन में आपके सामने रखूंगा, बगैर शुगर कोट किए, बगैर बोले कि ये अमेजिंग है वो अमेजिंग है. नहीं, मैं एक बहुत ऑनेस्ट तरीके से आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूंगा, बट मैं भी गलत हो सकता हूँ. तो फर्स्ट फाइंड योर सेल्फ अ मेंटर. दैट पर्सन कैन बी एनी वन. आपका चाचा हो सकता है जो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहा है एंड उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस इंडस्ट्री की. वंडरफुल. आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहा है. वंडरफुल. तो कोई भी हो सकता है ये बंदा. बट उसके बाद फिर कंसल्ट अदर पीपल. इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग कि ये कर लो, डू कंसल्ट समवन एल्स. किसी और से पूछ लो एक बारी. एक सेकेंड लगेगा ना कि इज वॉट दिस पर्सन सेइंग गुड, क्योंकि देर आर सम पीपल हु से कि CFP इज अ गुड सर्टिफिकेशन. एंड आई नो आई कम बैक एट CFP अगेन एंड अगेन. आई एम सॉरी, बट इट इज नॉट अ गुड सर्टिफिकेशन. येट देर आर सम पीपल आउट देर हु क्लेम दैट इट इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन. एट द एंड ऑफ द डे द पीपल हु डू दैट एंड अप रिग्रेटिंग इट. तो दैट्स माई नेक्स्ट पॉइंट. फाइंड योर सेल्फ अ मेंटर, एंड वंस समथिंग इज बींग टोल्ड टू यू बाई योर मेंटर, जस्ट कन्फर्म इट. And one important hack I missed. Do not procrastinate. Jitna zyada procrastinate karoge, utna zyada aap hi ke liye bura hoga. I know people who reach out to me at the age of 32 ke ab mere ko apni finance mein field mein jana hai, main kaise switch karu, sales field mein hu, branch manager hu, yahan ka manager hu, wahan ka manager hu, ab mere ko finance industry mein jana hai. They ended up somehow procrastinating. Please do not procrastinate. Jitna zyada jaldi aap apne काम पे लग जाओ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. जितनी ज्यादा चीजें आप कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा. आई नो टेकिंग अ ब्रेक इज गुड, बट टेकिंग अ ब्रेक फॉर सो लॉन्ग इज अ वेरी बैड थिंग. टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड कि क्या करना है, उसके बाद पे स्टार्ट विद थिंग्स. थिंग्स डोंट वर्क आउट, स्टार्ट विद अनदर थिंग. तो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू एवरी वन. सो आई एम नॉट सेइंग ओनली फाइनेंस इंडस्ट्री, स्टार्ट विद एनी थिंग, बट स्टार्ट. उसके बाद मजा नहीं आ रहा तो स्विच. As in the beginning, I thought I'll enter into digital marketing field because बहुत amazing लगता था. But साथ साथ में मैंने finance का course भी किया, digital marketing का course भी किया. Digital marketing is something I did not like. Finance is something I liked. I ended up in finance field. So for you as well, if there is something that you like, get started with it. If you think कि painting is something you like, get started with it. साथ साथ में finance भी कर लो. अगर finance में मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो finance. Painting continue करो. Painting में मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो painting. Finance continue कर लो. But do not procrastinate. So these are my some tips for you guys. I hope this video was beneficial to you. If there are any points that you want to tell me, let me know in the comment section. If you think I missed on any point, let me know in the comment section. I will try to improve the video from next time onwards if there is something that you feel like should be improved. Apart from that, if you want to watch a video on finance internships, that would be here. Along with that, और भी कोई वीडियो होगा, कोई भी वीडियो टॉपिक होगा, डू लेट मी नो. दिस वॉज एक्चुअली रिकमेंडेड बाई समवन एल्स, बट आई एज सून एज आई रेड दैट कमेंट आई वाज लाइक यस आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक.